विराट रूप का दर्शन कराया तो भी अर्जुन का भय नहीं मिटा। जब अर्जुन ने ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुना, राज विद्या का विचार किया, अध्यात्म क्या है, आदि देव क्या है, आदि भूत क्या है, इसको अर्जुन ने समझा तो देखा कि अरे ये तो इतना सुगम है, काम कहाँ से बाहर है, काम का शुक्र है, काम का तिथिनों के गुलाम हो रहे, वो लोग तिथिनों के गुलाम होते बैठे हो, लेकिन मैं रहते हो टिफिन का चस्का खाते, उनकी बुद्धि मारी जाती, राज विद्या जैसा अमृत पान उनको दिमाग में बैठते ही नहीं। एक साल तो बहुत हो गया, तेईस तेईस साल के बैल कुछ फायदा नहीं है, उन्होंने हालत जिन बतन में 27 साल हो गए, एक साल तो बहुत हो गया, हमको 40 दिन बहुत हो गया। तो राम जी रात्रि को होते थे, मैं 22 साल हो गया, गुरु को 5 साल में मिले प्रभु मुझे कैसे मिलूंगे, वे तड़पती तो उनको भी 1 साल के अंदर परमात्मा को प्राप्ति हो। तो हम बोलते हैं सुनते सुनाते एक साल में परमात्मा का प्रकाश होते, अपने को क्यों नहीं तड़प लगती, अपन क्यों कपटी रहे, क्यों जीवा के गुलाम रहे, क्यों चोरों के नाए ऐसा वैसा, तो चोरों के नाए खाते पीते हैं करते तो चूहे बने बनने का रास्ता खेल गए, किसी से बचकर खाता पीतने का शौक है तो फिर चूहा बनता छुप छुप कर लेगा, भले कोई नहीं देखे तो भी लेने के पहले इन्होंने डरे थे, तो मैंने इस जमीन में जो किया है किसी को पता नहीं चलेगा, खान वो अपन प्रारब्ध खाते हैं छुप छुप, ये राज विद्या मनुष्य को राजाओं का राजा है, उसके लिए रुचि नहीं, वो देव बड़ा है, उधर बड़ा है, उधर बड़ा है, अरे बुद्ध सबसे बड़ा देव तेरे साथ में हाजरा हाजिर साक्षात ब्रह्मवेता, पत्थर तुझे हरि मिले तो मैं तुझे पापा, गंगा नहाए तो सब, कबीर जी ने तो कई मूढ़ों की मूढ़ता हटाने के लिए एकदम नगद खा कंकड़ पत्थर जोड़ के, लेकिन मुंडों का क्या पत्थर उठे कहीं ले लिया मूल तक, इधर अच्छा है ना, ये फलानी तिथि सारी तिथियों को महत्व देने वाला तेरा आत्मवेता गुरु, उनसे तो तू झूठ कपट करे और तिथियों की गुलामी करे, किस बुद्धि मारी, हमारे मन को ऐसी गुरु की कृपा मिली के जो अंतर बाहर एक हो जानो सो गुरु ज्ञान में था, मोरारजी भाई देसाई, मेरा अमेरिका में सत्संग था, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय, शिकागो में जहां मेरा प्रवचन सत्संग था वहां मोरारजी भाई देसाई का कार्यक्रम था, उन्होंने बोला कि मैं प्रधानमंत्री के पद पे भी आया तो भी उतना सुख शांति नहीं मिलता जितना रमन महर्षि के चरणों में बैठ के सत्संग से। 21 पीढ़ी तारने वाला सत्संग है, भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को, भगवान रामचंद्र जी सीता जी को वशिष्ठ जी के चरणों में ले जाते सत्संग, गुरु मंत्र की दीक्षा भगवान शिव जी पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाते, तो दीक्षा भी मिले, सत्संग भी मिले, भोजन भी मिले, रहने को भी मिले, और वो भी किशनगढ़ अजमेर वालों को भी नजीक, जयपुर वालों को भी नजीक, नेवाई वालों को भी नजीक।